हमारे वीडियो में हम मम्मी डैडी भैया और मायसेल्फ आलू को कुछ ऐसे कैरेक्टर स्केचेस दिए हैं। अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो डील विद इट। मैं कभी सोचता हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आता, मगर कोई मेरे को बताएगा कि एग्जाम्स इतने टफ क्यों होते हैं। पूरे 2 महीने से मेरा सर दब रहा था क्या पढूं और क्या ना पढूं बोल के, फिर भी मार्क्स नहीं आते हैं। 3 टाइप के लोग होते हैं, एक पढ़ के आते हैं और टॉप मारते हैं, एक का दिमाग फिर जाता है, और एक तो बिंदास आते हैं एग्जाम को। भाई एग्जाम अब खत्म, बेकार है सोचना, खत्म। जब भी एग्जामों के दिन थे, एक दिन मम्मी ने मुझे और मेरे भाई को बोला कि तुम जाके मार्केट से कुछ सामान लाओ। हम प्लेस्टेशन खेल रहे थे और हमें नहीं जाना था, तो हम बोले नहीं। A few moments later, मैं और भाई सामान लेने के लिए निकले क्योंकि घर पे कुछ नहीं था मम्मी को खाना बनाने के लिए, पापा ऑफिस पे थे। जब हम जा रहे थे सुपरमार्केट को, मेरे और मेरे भाई के बीच में कुछ इस तरह का डिस्कशन चल रहा था। अबे आते वक्त शॉर्टकट लेके आएंगे। क्यों भाई? चल नारे, कौन जाता इतना लंबा रास्ता। ठीक है, और ये ठीक है 9 साल के छोटे आलू के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा बहुत हानिकारक था। हम हमारा सामान उठा लिए और वापस आने वक्त अपने भाई के शॉर्टकट ले लिए। पूरा अंधेरा था, चांद भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ था तो सिर्फ अंधेरा। मैं पूरी तरीके से डरा हुआ, मेरा भाई आराम से चलता हुआ, सड़क के बिलिया मियां मियां करते हुए। ए क्या रास्ते में लाया रे, मर को जाते क्या गिरे हम लोग। चुपचाप चल। और हम घर पहुंच गए, काफी जल्दी तो पहुंच गए, लेकिन भाई मामला तो ऐसा था कि फट के हाथ में आ गया। अब अगर सोचा गया तो इतना भी डरावना नहीं था, लेकिन भाई 9 साल के आलू के लिए तो डरावना ही था। पैक अप। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और तुम लोगों को लगा हुआ अरे क्या भाई इन्हें इतना बड़ा फट्टू है बोल के, लेकिन भाई डरावना था मेरे लिए जब मैं छोटा था, जब मेरे को डरावना लगा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी था मेरे लाइफ में और हमेशा के लिए एक मेमोरी रहेगा, तो इसीलिए इसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। और मेरे को लगा कि भाई ये वीडियो आइडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो इसीलिए मैंने बना दिया। अब बाकी का काम तो आपका है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। शेयर करना तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक करो सब्सक्राइब करो वो भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन फिर भी कर दो, कुछ जो करना कर दो। लेकिन भाई चलो ठीक है, मिलते हैं फिर से।